हे hey, नमस्कार दोस्तों, मैं लोकेंद्र सिंह शेखावत आपका फिर से स्वागत करता हूँ अपने ही एक्साइटिंग चैनल शेखावत टेक्निकल में। दोस्तों, अगर आज हम बात करते हैं हुआवे होनर 9 लाइट के फेस अनलॉकिंग फीचर के ऊपर, जो कि फाइनली रोल आउट कर दिया गया है और मेरे पास भी आ गया था, मैंने इसका वीडियो बना दिया था, यहाँ पे कार्ड्स में लिंक दिया है तो आप जाके चेक कर सकते हैं, चेक कर लीजिए, रिव्यू मिल जाएगा। हालांकि इस वीडियो में मैं रिव्यू देने वाला हूँ, जो भी अपडेट आया था उसका पूरा रिव्यू देने वाला हूँ। कंप्लीट रिव्यू तो खैर नहीं दूंगा, लेकिन इस वीडियो में समझ में आ जाएगा क्या क्या फीचर्स नए ऐड हुए हैं। जो लिखा हुआ है उनकी, जैसे लिखा हुआ था कि वोल्ट इशू है उसको सॉल्व कर दिया गया है, उनके अलावा भी कुछ क्या खास लगा है वो भी इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो इस वीडियो को स्टार्टिंग टू लेके एंड तक जरूर से देखिएगा। और इसके फेस अनलॉक फीचर की बात करें, कितना एक्यूरेट है और कितना फास्टली ओपन कर देता है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो लेट्स गेट started। दोस्तों, अगर सबसे पहले मैं इसके फेस अनलॉकिंग फीचर के ऊपर बात करूं, तो फेस अनलॉकिंग फीचर को आपको सेटअप करना बहुत ही आसान है, कुछ इस तरह की अगर वीडियो देख पाए तो। सबसे पहले आपको सेटिंग्स में जाना है, सेटिंग्स में जाने के बाद आप सिक्योरिटी में जाएंगे, सिक्योरिटी में जाने के बाद आपको फेस अनलॉक फीचर का ऑप्शन मिल जाएगा। याद रखिएगा, पहले आपको पिन पैटर्न या पासवर्ड इन तीन चार में से आपको लगा के रखना पड़ेगा, तभी आप फेस अनलॉक फीचर लगा पाएंगे। तो आपको पिन या पासवर्ड या फिर पैटर्न इन तीनों में से कुछ भी लगा सकते हैं। उसके बाद आप नीचे ऑप्शन आएगा फेस अनलॉक फीचर का, उसके ऊपर जैसे ही टैप करेंगे तो आपको अपना कुछ परमिशन देनी पड़ेगी, एग्री करना पड़ेगा। उसी के बाद में अपना फेस मांगेगा, आपने अपना फेस सामने लेके जाना है अपने मोबाइल के, उसी के बाद में सिंपल सा काम करना है। फेस होने के बाद वो फेस आपका जो कि डन हो जाएगा, सेव हो जाएगा। उसके बाद जहां भी आप अपना ओपन करना चाहेंगे तो फेस अनलॉक ओपन हो जाएगा। तो चलिए चेक करते हैं किस तरह से ओपन कर देता है, कितना फास्टली ओपन कर देता है। हालांकि कंपेयर तो मैं करूंगा रेडमी नोट 5 प्रो से, लेकिन अभी बात करते हैं कितना फास्टली ओपन कर देता है। हालांकि मैंने सेटअप कर लिया है, अगर आप आई थिंक देख पाए तो यहाँ लिखा हुआ आ रहा है रिकॉग्नाइज वगैरह सब लिखा हुआ आ रहा है। चलिए मैं चेक कर लेता हूँ कितना एक्यूरेटली फास्ट ओपन कर देता है ये। ओपन, नो। अगर दूरी पर रखेंगे तो आप इतना कुछ खास ओपन नहीं कर पाए, इतना कि आपको OnePlus 5T का फास्ट मिलता है, उतना फास्ट तो अगर इसमें एक्यूरेटली नहीं मिल पाता है। अगर आप OnePlus या फिर किसी भी मोबाइल के अंदर बात करेंगे तो अगर आप एक्यूरेट इतना दूर भी रखेंगे तो आराम से खुल जाएगा, बट ये नहीं खुल पा रहा है। अगर मैं इसको पास लेके आऊं, नो, ओके ओके। अगर हाँ, इतनी दूरी पर अगर रखते हैं अपने डिस्टेंस को करीब करीब, अगर मैं सामने से इस तरफ करूं, ओके, देखिए आप उंगलियां मेरे सामने हैं, मैं कोई ना फिंगरप्रिंट लगा रहा हूं। अगर मैं अपनी आंखें बंद कर लूं तो कितना फास्टली ओपन कर देता है ये। ये मैंने लॉक कर दिया, अब मैं अपनी आंखें बंद कर रहा हूं, नो। वापस ट्राई करते हैं, मैं अपनी आंखें बंद करके रखता हूं और मैं बटन को प्रेस करता हूं, आंखें खोलता हूं मैं, ओके आगे खोलते, मतलब कुछ कुछ आंखों का भी डिफरेंस करता है, क्योंकि मतलब बात यहाँ पे आती है, ऐसा मत समझिएगा कि इसमें आईआर स्कैनर है, जो आपके मेन फोकस होता है वो आंखों के ऊपर होता है, जब आप सर्च करता है कि इस बंदे की आंखें खुली है या बंद है। अब अगर आप इसको फोटो दिखाने की कोशिश करेंगे तो आपको पता है फोटो में तो एक्यूरेट एक आंख खुली होती है। अब पहले ये देखता है कि जो आपकी आंखें की जो पलकें होती है वो झपक, मतलब अप डाउन हो रही है, अप डाउन हो रही है, तो उस हिसाब से अंदाजा लगाता है कि हाँ भाई जेन्युइन मैन है, ओरिजिनल है, कोई फोटो नहीं दिखा रहा है। तो इस तरह से एक्यूरेटी आपको बताता है, उसी के बाद में ही आपका फेस जो अनलॉक है वो करता है। हालांकि काम फास्टली होता है बहुत, तो आपको लगता नहीं है कि इतनी जल्दी कैसे हो रहा है, लेकिन ये काम सारा फास्टली हो जाता है, तो ये एक अच्छी बात है हमारे लिए कि करीब करीब फिंगरप्रिंट तो अच्छा ही है, ओके। मतलब कुछ ज्यादा टाइम नहीं, हालांकि मैं इसको करके मैंने बहुत सारे रिव्यूज देखे, उन हिसाब से बताऊं तो मेरे को नाइट हो चाहे कुछ भी हो आराम से मेरे को ओपन करते था, नाइट के था, हालांकि मेरे को ब्राइटनेस थोड़ी सी तेज रखनी पड़ती है, उसी के बाद में ओपन कर पाता है, ओके। नाइट में हालांकि मैं वो ब्राइटनेस तेज रखनी पड़ती है तभी ओपन कर पाता, लेकिन हाँ ब्राइटनेस तेज रखने में कुछ प्रॉब्लम नहीं है, नाइट में अगर रख लेंगे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन कम से कम हमारा फेस अनलॉक फीचर ओपन तो करके दे रहा है ना। कुछ फेस अनलॉक फीचर होते हैं जो कि आपको कंप्लीटली ओपन करके नहीं देते हैं, बट हाँ करीब करीब फेस अनलॉक फीचर ओपन तो करके दे रहा है ना, तो एक बेटर बात है। चलिए, एक फेस अनलॉक फीचर का तो हो गया, बाकी हो गया कुछ खास देखने में मिलता है तो, और कुछ हमें मिलता है कि राइड मोड। अब भाई राइड मोड क्या है, आपने कभी कभी सैमसंग, कभी कभी क्या हमेशा सैमसंग, अगर आप चलाए हो आपने सैमसंग मोबाइल यूज किया है उसमें देखा होगा एक राइड मोड आता है, मतलब ड्राइव मोड होता है, तो ड्राइव मोड है, इसमें राइड मोड के नाम से एक आता है। तो राइड मोड क्या होता है, कभी कभी आप बाइक्स पे ट्रेवल वगैरह करते हैं,
ट्रेवल करते समय अगर आप चाहते हैं कि कोई डिस्टर्ब ना करे आपको, आपको पता चल जाए अगर अर्जेंट कॉल हो तो ही मेरे पास कॉल आए, तो आप राइड मोड को एक्टिव कर सकते हैं कुछ इस वीडियो की तरह। आपको सबसे पहले जाना है सेटिंग्स में, सेटिंग्स में जाने के बाद आपको जाना है अबाउट फोन में, अबाउट फोन में जाने के बाद जाकर स्क्रॉल करेंगे तो वहां पर आपको मिल जाएगा राइड मोड का ऑप्शन, राइड मोड के ऑप्शन पर टैप करेंगे तो आपको सबसे पहले ऊपर मिलेगा हमेशा चालू रखना चाहते कब चालू रखना चाहते, फिर इसको ऑन कर लीजिए, फिर नीचे मिलेगा आपको लैंग्वेज का ऑप्शन, लैंग्वेज का ऑप्शन मिलेगा तो लैंग्वेज में आप इंग्लिश सेलेक्ट करना चाहते हैं या हिंदी सेलेक्ट करना चाहते हैं, हिंदी में कुछ इस तरह से बोलेगा आप सुनिए कर रहे हैं वो इस समय बाइक चला रहा है और आई थिंक आपने सुनी होगी आवाज कुछ इस तरह से बोलेगा हिंदी के अंदर और इंग्लिश की बात करें इंग्लिश में से आप सब सब जानते हैं तो कुछ इस तरह से आवाज आएगी। तो इस तरह से आप राइड मोड लगा सकते हैं अगर किसी को अर्जेंट कॉल करना होगा, जैसे कोई कॉल करेगा आपको तो वो एक सिंपल से एक ही आवाज बोलेगा ये बंदा अभी बाइक चला रहा है तो कुछ समय बात करें, और आपको अगर अर्जेंटली कॉल करना है तो कृपया करके एक नंबर दबाए, तो जैसे वो बंदा एक नंबर दबाएगा तो आपके पास कॉल आ जाएगा, जो अर्जेंट कॉल होगा तो वही कर पाएगा। तो ये एक ऑप्शन अलग से हटके दिया गया है। और जो मैं बात करूं रैम मैनेजमेंट की, जो कि होनर 9 लाइट की बात करूं रैम मैनेजमेंट की, तो वो एकदम बेटर कर दिया गया है। हालांकि पहले के रैम मैनेजमेंट की अगर मैं बात करूं तो रैम मैनेजमेंट इतना कुछ खास नहीं था, लेकिन अभी खैर रैम मैनेजमेंट बहुत ही खास कर दिया गया। मैं पहले रैम मैनेजमेंट यूज करता था तो मेरे फ्री करीब 1 GB के आसपास रहता था, लेकिन अभी 1.4 1.5 जीबी के आसपास फ्री रहता है, जबकि उतनी ही मल्टीटास्किंग करता हूं मैं। अगर देख पाए तो आप मल्टीटास्किंग मेरी आई थिंक बहुत सारे एप्स मैंने बैकग्राउंड में रखता हूँ, मैं कभी क्लीन नहीं करता हूँ, ऑटोमेटिकली क्लीन का ऑप्शन है इसमें तो मैं क्लीन करने की जरूरत ही नहीं पड़ती मेरे को, तो वो एक अच्छी बात है। और कैमरा कुछ सेटिंग्स में आपको बहुत से अच्छे फीचर्स भी दिए गए हैं, हालांकि उसके बारे में अगली वीडियो में आगे बात करेंगे। तो अगर आपको हमारा ये रिव्यू छोटा सा रिव्यू पसंद आ गया हो तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, हमारे फैमिली के साथ जुड़ने के लिए सब्सक्राइब करेंगे और हमारे साथ बेल आइकन भी दबा लीजिए ताकि आपको हमारी फैमिली के जितने भी नोटिफिकेशन सभी मिल जाए, जैसे हम वीडियो अपलोड करें तो नोटिफिकेशन का जो बेल आइकन आता है वो भी दबा लीजिएगा। तो फाइनल आज वीडियो में तो ही था, मैं मिलता हूं आपको अगली एक्साइटिंग वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद वंदे मातरम।